केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दवा दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को खोलने का आग्रह किया। साहिबगंज जिला अंतर्गत बरगरवा नगर क्षेत्र में दिन पर दिन कोरोना संक्रमित के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा को देखते हुए कई जगह कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। चिकित्सक भी अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए कंटेनमेंट जोन से 300 मीटर के अंतर्गत स्थित सभी घरों में डोर टू डोर पहुंच सदस्यों की जांच में जुटे हैं। वहीं बरगरवा व्यवसाय संघ के अध्यक्ष राजकमल भगत और फटिंग को अपनी टीम के सदस्यों के साथ बीते दिन संध्या बाजार भ्रमण कर दवा दुकान छोड़ अन्य सभी दुकान संचालन कर रहे लोगों से आग्रह कर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दुकान खोलने का आग्रह किया है। व्यवसायिक अध्यक्ष की समाज के प्रति सकारात्मक सोच को देख दुकानों के शटर लॉक करते देखे गए। व्यवसाय संघ के अध्यक्ष राजकमल भगत ने कहा, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दुकानों को खोलने का आग्रह इसलिए किया जा रहा है ताकि बाजारों में भीड़ कम हो, लोग संक्रमित होने से बचें और हम कोरोना वायरस को मात देकर विजय प्राप्त कर सकें। साहिबगंज से आनंद भगत की रिपोर्ट। पंचायत में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सभी पार्टी के लोग उपस्थित हुए थे। उसमें ये निर्णय लिया गया था नगर पंचायत के द्वारा कि बरगरवा में सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक दुकानें खुली रहे, लेकिन इसका पालन 80% लोगों कर रहे हैं। कुछ लोग जो है इस निर्णय का पालन नहीं कर रहे, जिसके कारण और जितने भी व्यवसायिक हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। उनका दुकान बंद है और बाकी सब लोगों का दुकान खुला है, इससे समस्या यही उत्पन्न हो रही है कि लोगों को मन में निराशा है कि हम अब सब पालन कर रहे हैं, कुछ लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। एक मामला सामने आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे शॉप ओनर है जिनका कहना है जो रेंट पे दुकान लिए हुए हैं और दुकान बंदी होने से रेंट देने में उन लोगों को प्रॉब्लम होती है और परेशानियां भी कहीं ना कहीं ओनर द्वारा समय पे रेंट मांगा जाता है। इस पर व्यवसायिक संघ जो है क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, इस पर व्यवसायिक संघ के पास जब समस्या आएगी तो ही ना इस पर कुछ बात किया जाएगा। अभी तक ऐसी समस्या हम लोगों के पास अभी तक नहीं आई है। हम लोग व्यवसायिक संघ की आज ने बैठक की है, उसमें ऐसी कोई समस्या का जिक्र भी नहीं हुआ। यहाँ यही जिक्र हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सभी लोग मास्क लगा के अपनी दुकान से बैठे और सामने जो कस्टमर आते हैं उनसे भी बिना मास्क लगाए कोई भी उनको सामान ना दें।